सुप्रभात, राम राम भी सबको, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत, बड़ों को प्रणाम छोटों को प्यार। करते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत, तो बताइए कैसे हैं आप। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं अपना चैनल दिल घुमक्कड़। आज एक नेशन एक प्राइड के लिए एक राइड है, विजय दिवस, जो सन 71 में पाकिस्तान से युद्ध करके हिंदुस्तान ने विजय प्राप्त की थी, उसके सेलिब्रेशन के लिए एक दिल्ली NCR के जितने भी राइडर्स हैं सभी ने एक राइड ऑर्गेनाइज की है मिलके, विजय दिवस। तो मैं उसी का एक हिस्सा हूँ, उसी का एक पार्ट हूँ, तो मेरे लिए गर्व की बात है, बड़े ऑनर की बात है। तो चलते हैं और आप सब भी देखना, एंजॉय करना और हम भी एंजॉय करेंगे। और दूसरी बात, इस राइड को सेलिब्रेशन करने के लिए कुछ आर्मी के जवान भी शायद हमारे इस राइड में शामिल होंगे, तो जो भी होगा आप सबको देखने को मिलेगा। तो चलते हैं, करते हैं कंटिन्यू। ये क्या हो गया सुबह सुबह, ये भी बस भाई बहुत ज़्यादा राइडर है, आज तो गजब राइड होने वाली है, गजब। इतने ज़्यादा राइडर हैं, इतने ज़्यादा राइडर हैं कि रोड पे हाईवे पे सिर्फ और सिर्फ राइडर ही दिखाई दे रहे हैं आज तो, गजब। अल्टीमेट होने वाली है राइड आज की। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बहुत क्या हो रहा है? बड़ी लेट आया भाई, मैं बहुत देर कर रहा हूँ, ईमानदारी से छोटा आदमी पीछे लगी, ईमानदारी से झूठ बोल रहा था, ईमानदारी से झूठ बोल रहा था, ईमानदारी से सच बोल रहा हूँ। अरे ग्रुप इतना बड़ा ना, पता लग रहा है। हाँ, उसके बाद कोई अपडेट नहीं आया, मैं पीछे लगाओ, पीछे लगाओ, 2x2 है। अनबिलीवेबल, मतलब मैं कैसे बताऊं आपको, लगभग लगभग ये मान के चलो 1 किलोमीटर के आसपास राइडर ही राइडर हैं, 700-800 हज़ार के आसपास राइडर हो चुके हैं। मैं तो आपको 500-600 ही बोल रहा था, लेकिन ये जितने भी NCR के ग्रुप्स हैं सब से इकट्ठे हो गए और करीबन 800 हज़ार के आसपास राइडर हो चुके हैं। अल्टीमेट यार, अल्टीमेट। सब क्या गजब राइड हो रही है, अल्टीमेट, एकदम अल्टीमेट। इतने राइडर के हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे, जो दिल्ली का नेशनल हाईवे है कश्मीर टू कन्याकुमारी चिटी करनाल रोड, उस पे सिर्फ राइडर ही राइडर दिख रहे हैं, गजब यार गजब। मुट्ठी में पांच है, सांसों में आंच है, कल की न सोच तू, जो करना है आज। Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know.
इस भाई के जज्बे को भी सलाम है। मिटियोर है, उसमें साइड पैनल साइड व्हील लगवा के और व्हील चेयर के साथ, सल्यूट है भाई, सल्यूट। ये है जज्बा। ये देखना, व्हील चेयर साथ है और राइड, गजब। एक हजार राइडर जब हाईवे पे निकलता है तो आप खुद समझो, इमेजिन करो कि क्या काफिला चलता होगा, मतलब ज़बरदस्त। और ऐसे ही नहीं है, एम्बुलेंस वगैरह, सेफ्टी फीचर्स वगैरह सब साथ चल रहा है हमारे। एम्बुलेंस भी साथ है, 100 के आसपास का मार्शल स्क्वाड है हमारे साथ जो ऑपरेट कर रहा है, बिल्कुल मैनेज कर रहा है सब चीज़ों को। तो अल्टीमेट, एकदम अल्टीमेट। नियॉन ग्रीन में हमारा मार्शल स्क्वाड है सारा, आगे भी है, बीच में भी है, पीछे भी है, और सबसे आगे एम्बुलेंस चल रही है। मतलब पूरे सिस्टम से है, ऐसे नहीं है कि हाईवे पे ऐसे ही निकल के टफरी मारने या अननोन राइडर की तरह। पहुंच गए हैं आज के अपने डेस्टिनेशन पर, जो कि है मोजोलैंड। लगी हुई है यहाँ पे, क्या है कि वहाँ गेट पे ना बैंड बांधे जा रहे हैं सभी को, तभी एंट्री है, ताकि जो अंदर का इवेंट है एक तरह से पास हो गया वो। फाइनली मैं और उमा भी एंट्री करते हुए, बहुत देर में नंबर आया, हम तो साइड में खड़े हो गए, इतनी ज़बरदस्त लाइन लगी हुई थी, तो हम तो पीछे खड़े हो गए। आप बताओ, मैं वीडियो देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, ब्लॉग बहुत बढ़िया है, अच्छी लग रही है। इन्होंने हर काम किया, और जीत मैं बोलता हूँ, इन्होंने
स्टेज पे आ जाइए प्लीज। इस पूरी राइड में मैक्स हेल्थ केयर की टीम ने जो रोल प्ले किया है, मतलब बीच बीच रास्ते में जयेश भाई जिस तरीके से खड़े होके जो पूरा जो एक ट्रैफिक जैम हो गया था ना, उसको ये खड़े होके क्लियर करा रहे थे। सो नाइस ऑफ यू जयेश भाई, एक बार आप सभी लोग प्लीज, आप सब लोग ऊपर आ जाइए स्टेज के। और नमस्कार, खिचम खास भानु प्रताप, जोरदार तालियां बजा दो यार महादेव, इनको फील होना चाहिए कि हाँ राइडर्स के लिए। आर्मी नेवी एयरफोर्स, जब इसके ऑफिसर जवान जब अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके कसम खाते हैं, वो कसम परेड कहते हैं, उस कसम में भारत सेना के एक एक अफसर जवान जो कसम खाते हैं, कुछ इस प्रकार है, मैं एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं पढ़ रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ, उसमें कसम खाते हैं कि वायु या धरती में भारत की सरकार जिस जगह पे जहाँ जाके जो भी हमें टास्क किया जाए उसको पूरी तरह से कंप्लीट किया जाएगा, और उसके लिए अगर जान भी जाए तो हम अपनी जान देने के लिए भी तैयार हैं। ये कसम सिर्फ भारत के सारे विभागों में, सिर्फ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की जो है कसम खाती है, जानते हैं ये सिर्फ एक ही प्रोफेशन है जो हिंदुस्तान का। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, 71 की लड़ाई से इसका क्या संबंध है, अब इसी से जुड़ा हुआ एक आखिरी बात बता रहा हूँ। इसी प्रकार हमारे जो दुश्मन देश है पाकिस्तान, 71 की लड़ाई में इनके 90,000 सैनिकों को कैद करके बंदी बना के बाद में हैंडओवर किया गया, और जो बेइज्जती इनकी हुई है वो इस 2000 साल में किसी भी सेना की नहीं हुई है। तो इसके बदले में जो कसम हमने खाया वो तो मैंने आपको बताया, लेकिन पाकिस्तान सेना के हर जवान जो कसम खाता है मालूम है आपको क्या है, वो ये कसम खाते हैं कि 71 की लड़ाई का बदला लेंगे, हम मरने तक हम अपनी जान 71 की लड़ाई की बदला लेने के लिए देंगे। इसका मतलब है जो चोट उन्हें पहुंचाई गई है वो बहुत गहरा है, और आज 50 साल के बाद भी आप में से हर कोई जब यहाँ खड़े हैं तो हमें भी फख्र हो रहा है, और थैंक यू सो मच। जय हिंद। We are just riders and travelers. जो armed forces हैं वो सारे भारतवर्ष की आन शान और जवानों के लिए तो उनका अरमान है, तो इसलिए जय जय इनकी है ना कि हमारी। थैंक यू सो मच calling us at the स्टेज। ये जो राइड बनाई है यस भाई ने, दीप भाई ने, और IMS ने जो इसको गाइड किया पूरा, बाकी मेरे सीनियर ने बता दिया, उपसम ने आर्मी उपसम ने बता दिया 1971 का क्या महत्व हमारे लिए, और इतनी बड़ी जो जनसंख्या आज आई है यहाँ पे, इतने राइडर्स आए हैं जो केवल ऑनर करने के लिए, आर्मी को याद करने के लिए, तो उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, शुक्रिया, जय हिंद जय भारत। क्या बात है, कभी नहीं देखा होगा ये देख रहे हो जैसा, ये आज भी इन लोगों में इतनी ताकत है, हम लोगों से ज्यादा पुशअप लगा सकते हैं। का बीच मिला खुश हो जाना, आज तेरा बेटा पहली बार वक्त पे सोया। Oh,
चलते हैं अब वापस घर की तरफ। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सपोर्ट करना, आगे कोई भी अच्छी सी सीरीज होगी, कोई अच्छा सा ट्रिप होगा या कोई एक सिंगल संडे राइड होगी, जो भी कोई होगा वो आगे आके आने वाली वीडियोस में आपको मिल जाएगा, पता लग जाएगा। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट अदर किसी वीडियो में। तो नमस्कार। To never give up, to never back down. You get through the storm, even the nights the darkest before the dawn. Live your life.